हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी DSSSB के लिए, कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। हम लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में तीन पार्ट अब तक देख चुके हैं, तो आज देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, डैश एक्ट एज टेम्पोरेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU, देयर बाई इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। मतलब ऐसा क्या है जो कि मेमोरी और CPU के बीच में हाई स्पीड है, जिससे हम लोग का प्रोसेसिंग बहुत तेज हो जाता है। तो आपको पता है कि कैश मेमोरी की हेल्प से हम लोग का प्रोसेसिंग बहुत तेज हो जाता है। और कैश मेमोरी कहाँ होता है, वो होता है मेमोरी और CPU के बीच में जो होता है ना, मेमोरी का पार्ट, उसी में हम लोग को होता है कैश मेमोरी। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा फोर नंबर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। इंक्रीजिंग द रैम ऑन कंप्यूटर रियली इम्प्रूव परफॉर्मेंस, बिकॉज अगर हम लोग रैम बढ़ाते हैं तो उस बढ़ाने की वजह ऐसा क्या होता है जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट या फिर मेरा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है। अगर हम रैम बढ़ा रहे हैं मतलब कुछ जो डॉक्यूमेंट हम ढूंढ रहे हैं मेन मेमोरी में, वो मेरे पहले से कहाँ आएगा, वो पहले रैम में आएगा। और रैम की हेल्प से हम डेटा को फिच करते हैं, तो जितना मेरा रैम बढ़ा रहेगा उतना मेरा चांस ज़्यादा रहेगा कि उस पेज को हम लोग ढूंढ पाएँ। तो मतलब अगर पेज ढूंढ पाएंगे तो पेज फॉल्ट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, मतलब पेज फॉल्ट होने का चांस मेरा बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए रैम बढ़ाने से हम लोग का प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है। अब देखते हैं 78 नंबर, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ ए सिस्टम आर स्टोर्ड इन। बूट सेक्टर क्या होता है, जब भी हम लोग सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मेरा बूट सेक्टर काम करता है। और उस बूट सेक्टर स्टोर कहाँ पर होता है, वो याद रखना आपको, वो हमेशा रोम में स्टोर होता है। आपको इसका आंसर हो जाएगा टू नंबर, इसका हो जाएगा टू। अब देखते हैं, हाउ मेनी 32 किलो इंटू वन रैम चिप आर नीडेड टू प्रोवाइड मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 256 किलो बिट किलो बाइट। ये क्या, ये किलो बाइट में मेरा और मेरा जो रैम चिप है वो मेरे किलो बिट में है। जो किलो बिट पहले देखिए, हम लोग चाहिए कितना निकालना है, हम लोग कितना चिप निकालना है, तो उसके लिए मेरा कैपेसिटी कितना है, 256 किलो बाइट है मेरा। तो मेरा जो किलो है उसका लिख लिखेंगे 1024, और जो बाइट को चेंज करेंगे बिट में उसके लिखेंगे 8, और डिवाइड कर देंगे मेरे पास कितना नंबर ऑफ रैम है, तो 32 आपका रैम है। और हर देखिए आपका बिट, ये आपका बिट में है, आपको इसको चेंज नहीं करना है बाइट में, तो आपको पहले से बिट में। और अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 64। हमको 64 नंबर ऑफ रैम चिप चाहिए ताकि हम लोग 256 किलो बाइट का मेमोरी अचीव कर सकें, अटेन कर सकें। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80, द टोटल साइज ऑफ एड्रेस स्पेस इन ए वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इज लिमिटेड बाय। किसके वजह से मेरा टोटल इस एड्रेस स्पेस लिमिटेड हो जाता है वर्चुअल मेमोरी में, वो होता है क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज के होने की वजह से। अब याद रखना है, इसी का आंसर हो जाएगा आपको दो नंबर, इसका हो जाएगा। अब देखते हैं 81 नंबर, द मेमोरी विच डज नॉट लूज कंटेंट ऑफ फेलियर ऑफ पावर सप्लाई इट इज नोन एज डैश मेमोरी। अगर मेरा जो पावर है वो फेल होने के बाद भी अब मेरा कंटेंट लूज नहीं होता है, तो मतलब वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जैसे कि मेरा आपको हो जाएगा रोम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नंबर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज एज ए सिंगल कंटिन्यूस स्पायरल ग्रूव। आपको पता है कि जब भी अगर मेरा मेमोरी डिवाइस है जो कि वो मेरा स्पायरल फॉर्म में रहेगा, तो मतलब क्या है, वो हो जाएगा CD-ROM, वो मेरा स्पायरल फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इम्प्रूव द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। किसके वजह से मेरा स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ जाता है एक CPU सिस्टम के अंदर, तो वो मेरा बढ़ता है बिकॉज ऑफ कैच मेमोरी। 83 का हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन ए लाइन एट ए टाइम। आपको याद रखना है जो मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एक बार में एक लाइन से ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकता है। आपको इसका हो जाएगा टू नंबर। अब देखते हैं 85 देखते हैं, इन EPROM डेटा इज डिलीटेड बाय डैश। मतलब क्या कर देगी, एक EROM होता है, EPROM होता है, एक EEPROM होता है। जो EPROM होता है उसमें अगर हम चाहते हैं जो रैम में मेरा, जो रोम में मेरा डेटा है उस डेटा को रिमूव करना, तो हम अल्ट्रा वायलेट रेज से हम लोग डेटा को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर रहेगा डबल ई रहेगा EEPROM, अगर हम उसमें चाहेंगे मेरा डेटा को डिलीट कर दें, तो उसमें वो डिलीट होता है इलेक्ट्रिकली, पर इसमें आपको हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट लाइट से हम लोग EPROM में डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, विच वन इज मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या होता है, कंट्रोल की
अल्ट की और शिफ्ट की, इस तीनों के कॉम्बिनेशन को हम मॉडिफायर की कहते हैं। और मॉडिफायर की इसलिए कहते हैं कि इस तीनों कॉम्बिनेशन से हम लोग अलग अलग फंक्शन कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। आपको इसका हो जाएगा 1। अब देखते हैं 87 नंबर, विच वन इज टॉगल की। टॉगल की क्या होता है, कैप्स लॉक, नम्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, इस तीनों के हम लोग कहते हैं, इस तीनों कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं टॉगल की। आपको 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज फॉर इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शन डैट वॉज फेच इन द फेच साइकिल। अगर मेरा पूरा पाइपलाइन चल रहा है उसमें फेच कर लिया, तो फेच करने के बाद जो मेरा इंटरप्रेट करेगा वो कौन सा साइकिल करेगा, तो फेच करने के बाद मेरा डिकोड का काम होता है। क्योंकि अगर डिकोड नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे उसके अंदर डेटा में क्या अवेलेबल था इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, ए डिस्प्ले मॉनिटर विच हैज नो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। एक मेरा सिस्टम है, सिर्फ मॉनिटर है उसके अंदर कोई और इनपुट डिवाइस नहीं है, बस एक तरह का मॉनिटर है, तो उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं है, मतलब कि उसके अंदर काम नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, वो मेरा जो कहते हैं डम्प टर्मिनल। आप देखते होंगे डॉक्टर के यहाँ एक टर्मिनल रहता है जो आपको दिल का धड़कन दिखाता रहता है, बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा घट रहा, वो क्या है, वो एक तरह का मेरा डम्प टर्मिनल है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग, द मोस्ट रिलेवेंट एड्रेसिंग मोड टू राइट पोजिशन इंडिपेंडेंट कोड इज। मतलब कि ऐसा कौन सा मेरा एड्रेसिंग मोड है जिसकी हेल्प से हम लोग राइट पोजिशन इंडिपेंडेंट, मतलब कि उसके पोजिशन को लिख सकते हैं, तो वो मेरा होता है रिलेटिव मोड के अंदर। आपको याद रखना है जितना भी मोड है ना, 13 मोड होगा, उस 13 का फंक्शन याद रखना है, काम क्या क्या होता है, डायरेक्ट मोड का क्या काम होता है, इनडायरेक्ट का क्या काम होता है, रिलेटिव का क्या काम होता है, इंडेक्स का क्या काम होता है, आपको सारे का नाम याद रखना है उसका फंक्शंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, इन ए कंपाइलर द मॉड्यूल दैट चेक्स एवरी कैरेक्टर ऑफ द सोर्स टेक्स इज कॉल्ड। जब भी मेरा होता है कंपाइलर डिजाइन, उसमें दो हिस्से में होता है, एक में होता है लेक्सिकल एनालाइजर, एक में होता है सिंटेक्स एनालाइजर। लेक्सिकल क्या करता है, मेरे जितने भी टेक्स्ट है उस पूरे टेक्स्ट को चेंज करता है टोकन में, और जो टोकन बनता है वो सारे के सारा सिंटेक्स एनालाइजर में चल जाता है। इसमें लिख रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, दैट चेक्स एवरी कैरेक्टर, जो कैरेक्टर चेक करता है वो मेरा पहले होता है, मतलब कि वो होता है लेक्सिकल एनालाइजर में, वो वाइट स्पेस को कमेंट को रिमूव कर देता है और जितना टेक्स्ट है उसको लेके टोकन में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ रजिस्टर इज। एक रजिस्टर है, क्योंकि रजिस्टर भी तो कुछ किसी चीज से मिलकर बना होगा ना, तो वो किससे मिलकर बनता है, वो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है। फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग रजिस्टर कहते हैं, आपको होता है SQ PR जितना भी होता है फ्लिप फ्लॉप, तो इसका आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क एल्गोरिदम। देखिए RISC है उसका फुल फॉर्म, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है रिस्क एल्गोरिदम का। तो याद रखना आपको, वो हाईली पाइपलाइन भी होता है और मल्टीपल रजिस्टर भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं। आपको इसका हो जाएगा बोथ 1 और 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 94, द टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशन ऑफ मेमोरी ऑपरेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं। अगर कुछ टाइम डिले हो रहा है दो मेमोरी के इनिशिएशन के बीच में, हम लोग उसको कहते हैं मेमोरी साइकिल टाइम। आपको इसका हो जाएगा 94 का 3। अब देखते हैं हम लोग 95 नंबर, द मिनिमम टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव मेमोरी रीड ऑपरेशन इज। मतलब क्या है, दो मेरे सक्सेसिव मेमोरी के बीच में जो डिले होता है उस डिले को हम लोग क्या कहते हैं। मान लीजिए मेरे एक काम हो गया, फिर जस्ट बाद दूसरा काम हो रहा है, तो उस दोनों के बीच में जो मेरा डिले होता है उस डिले को हम लोग कहते हैं साइकिल टाइम। तो आपको 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 से, क्वेश्चन क्या है 96 में, द बस यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द CPU इज। उस बस का नाम क्या है जो कि मेरा मॉनिटर से CPU कनेक्ट करता है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा PCI बस। अब PCI का फुल फॉर्म क्या होता है, PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। वो क्या होता है, वो ऐसा आपको बस है जो कि आपको कनेक्ट करता है मॉनिटर और CPU को, याद रखना आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, एन इंस्ट्रक्शन यूज टू सेट द कैरी फ्लैग इन ए कंप्यूटर
डैट कैन बी क्लासिफाइज एज फ्लैग क्या होता है आप देखते हैं सिग्नल जब भी हम लोग हरे झंडे दिखाते हैं मतलब कि ट्रेन खुलने वाली है और लाल दिखाते हैं झंडी मतलब ट्रेन रुकने वाली है तो उसी तरह कंप्यूटर में होता है फ्लैग मतलब कि फ्लैग को दिखाएंगे मतलब से आपको जो प्रोसेस चल रहा है उसको रोक देना है उसको इंटरप्ट कर देना है और फिर फ्लैग दिखाएंगे तो आप प्रोसेस जो रुका हुआ था रिज्यूम था उसको फिर से आपको कंटिन्यू करना है तो उसको कंप्यूटर में सिस्टम क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल कहते हैं 97 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो अब देखते हैं हम लोग 98 नंबर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशन यूजिंग टाइमिंग सिग्नल तो आपको पता है जितना भी होता है कोऑर्डिनेशन होता है एक सीपीयू के अंदर वो सारे के सारा कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका है वो काम है कंट्रोल यूनिट का आपको 98 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो अब देखते हैं 99 नंबर थ्री एड्रेस कोड इन्वॉल्व अगर थ्री एड्रेस कोड में क्या क्या इन्वॉल्व होता है अब याद रखना है कि अगर जब भी बात रहेगा थ्री का तो हम लोग मैक्सिमम उसमें थ्री रख सकते हैं थ्री से कम चलेगा दो चलेगा आपको एक भी चलेगा लेकिन फोर नहीं चलेगा आपको इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दो नंबर मतलब एटमोस्ट थ्री एड्रेस मैक्सिमम हम लोग तीन एड्रेस रख सकते हैं उससे कम नहीं रख उससे कम रख सकते हैं पर हम लोग उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं अब देखते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 100 द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मतलब क्या है द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम जो आपका सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को लेता है मेमोरी से और उसको एग्जीक्यूट करता है उसको रन कराता है उसको हम लोग कहते हैं फेच एग्जीक्यूट साइकिल तो सौ का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन तो आज का सेशन खत्म होता है इसके बाद मैं एक सेशन और लाऊंगा आर्किटेक्चर का उसके बाद मैं उसको खत्म करके लिनक्स लाऊंगा एल्गोरिथम लाऊंगा लैंग्वेज का कुछ लाऊंगा तो आप मैं चाहूँगा सब्सक्राइब कर दें ताकि जितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इन द फ्यूचर वो आप तक पहुंच जाए और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और जितने लोग तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर का DSSB लेके आप उनको मेरा वीडियो शेयर कर दें थैंक यू वेरी मच